हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं। ये हमारे पास सूट है, आप देख सकते हैं। इसमें ब्लैक कलर की कमीज़ है और ये नीचे सलवार दिखाई दे जो कि प्रिंट में है। इसमें हम सलवार नहीं बनाने वाले हैं अभी। हमारे पास जो 2.5 मीटर कपड़ा है, जो सलवार का जो कपड़ा होता है 2.5 मीटर, इसे हम 2 प्लाजो बनाने जा रहे हैं। तो 2 प्लाजो कैसे बनेंगे वो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास, ये टोटल हमारे पास ये है 2.5 मीटर कपड़ा। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसकी लेंथ, हमारी जो जो भी लेंथ होगी उस लेंथ का नाप ले लेना है। जैसे हमने इसकी लेंथ को रखा है 34, और जो इसकी विड्थ है, इसमें हमने लेंथ को लिया है 34, और ये जो हमारी जो गोलाई है, जो वो हमने लिए इसमें, तो वो लिए 35। तो इसको करना क्या है, जैसे हमने ये कपड़ा लिया है आप देख सकते हैं, तो यहाँ से हमने करना क्या है, इसको डबल हमने इसको फोल्ड कर रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद, जैसे कि अब आपकी जो भी मोटाई वगैरह 35 आती है, 34 आती है, तो उसको डबल कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक ये बनता है 30, ये 30 बनता है, तो 30 यहाँ पे है, 30 के नीचे है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये 60 हो गया, ये डबल हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये नाप जा रहा है यहाँ पे 30, 30 यहाँ पे है, तो 30 दूसरी साइड है, तो ये 60 हो गया। तो इसको डबल लेके चलना है। अभी हम इसको कट करने वाले हैं। अभी जो ये डबल फोल्ड कपड़ा था, अभी हमने इसको फोल्ड करके इसको 4 बार इसको फोल्ड कर दिया। अब इसकी 4 साइड होगी, इसकी 4 तह है, आप देख सकते हैं ये 4 तह है, ठीक है। ये कमर का नाप हमने लिया है 13, जो कि थोड़ा सा हमने साइड से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है, ताकि सिलाई के वक्त या फिर मतलब जैसे इसमें रबड़ वगैरह डलेगी तो उसे थोड़ा ज़्यादा ही रहे। तो यहाँ से अभी हम इसको नाप रहे हैं, और यहाँ से भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही दिखाएंगे। इसको 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने 15 किया है, वहाँ पे 13 था, तो यहाँ पे कितना कर दिया, 15 कर दिया। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से हम चौक की सहायता से इसको क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे अच्छे से, बाद में हमने इसको कट करना है। अभी हम यहाँ से ले रहे हैं गोलाई, यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मार्क कर दिया। यहाँ से हमने ये मार्क कर दिया, यहाँ से थाई को, थाई का नाप लेके अच्छे से यहाँ पे इसको मार्क कर देना है। यहाँ पे ये हमने मार्क कर लिया, यहाँ पे 12 इंच का हमने नाप किया है। अभी हम नीचे, हमने देखना है कि हमने प्लाजो कैसे तैयार करना है, तो प्लाजो को कितना खुला रखना है उसके हिसाब से हम इसको रेडी कर रहे हैं। अभी हमने नीचे इसको हमने 12 इंच तक खुला रखना है, 2 इंच एक्स्ट्रा 2 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, ताकि मतलब बाद में सिलाई वगैरह करते वक्त हमें इसका सिलाई यहाँ पे हम इसको सिलाई से ले लेंगे। तो सिलाई के लिए हमें अलग से इसको मार्क कर लेना है। अभी ऊपर से नीचे तक अभी हम इसको अच्छे से मार्क कर लेंगे कि हमने इसको कैसे कट करना है, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, जो हमने दूसरी लाइन को मार्क किया है अच्छे से, ये यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा लिया, और एक में हम करेंगे सिलाई, ताकि बाद में अगर हमने इसको थोड़ा सा खोलना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको सिलाई के लिए लेना है। अभी हम करने वाले हैं इसकी कटिंग, तो आप देख सकते हैं कि हम इसको कैसे कट करेंगे। अभी हम इसको आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने इसको कट किया है। तो ऊपर हमने जहाँ से इसको मार्क किया था, वहाँ से हम इसको कट करते हुए चल रहे हैं। अभी हमने इसकी गोलाई को कट किया है, ये गोलाई को कट कर दिया है, आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा अच्छे से। ये नेक्स्ट जहाँ पे हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, वहां से हमने इसकी कटिंग करी। बाद में हमने ये जो नीचे थाई का नाप लेने से बाद का जो कपड़ा था, जहाँ पे हमने 2 डबल मार्क किए थे, वहां से हम इसको कट कर रहे हैं, जहाँ से सिलाई जाएगी सीधा, बिल्कुल सीधा जाएगी यहाँ से। ये कपड़ा हमारे कटिंग के बाद हमारा कपड़ा कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अभी हमने इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमने इसको सीलना है। कटिंग के बाद ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ये दोनों लेग्स ऐसे रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। इसको इनको आपस में ऐसे मिलाना है, और फिर इनकी करनी है सिलाई करनी है फिर अच्छे से। ये हमारा बाकी पार्ट, जो 2.5 मीटर कपड़े में से जो कपड़ा बचा हुआ था, अब हम उसी कपड़े से प्लाजो पैंट तैयार करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2.5 मीटर कपड़े से हम 2 प्लाजो हमने निकाले, एक प्लाजो और एक प्लाजो पैंट।
ये जो कपड़ा था अभी हमने कपड़े के इसके चार फोल्ड कर दिए। आज जैसे कि हमने पहले किया था प्लाजो बनाते वक्त, अभी हम क्या करेंगे इसको अच्छे से मार्क करेंगे। यहाँ से हमने ये कमर का माप लिया है, कमर का माप हमने यहाँ से रखा है 11। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आप लोगों को रखना है, जैसे कि सिलाई के वक्त या फिर रबर डालते वक्त इसमें बल वगैरह आते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोगों को लेना है। यहाँ से हमने 15 लिए है, 2 इंच हमने ज़्यादा ही रखना है मोटाई के अकॉर्डिंग। यहाँ से हमने ये लिया है थाई का नाप, अभी हम इसको मार्क करने वाले हैं। थाई का माप हमने रखा है यहाँ से 10। ये थोड़ा सा यहाँ से फिर हर बार थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है। थाई के बाद अभी हमने ये माप लगाया है घुटने का, तो घुटने का हमने जैसे नाप लिया है 16, तो अभी हम इसको 8 इंच पर लगा रहे हैं, क्योंकि ये चार फोल्ड है और डबल फोल्ड के लिए हमने इसको करना है हाफ, तो हमने 8 इंच के हिसाब से इसको मार्क कर। यहाँ से हमें जो प्लाजो तैयार करना था, जो प्लाजो पैंट तैयार करनी थी, वो हमें रेडी करनी थी 34 की, लेकिन यहाँ पर हम इसको 4 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं, क्योंकि ऊपर से इलास्टिक डालने के लिए और नीचे से इसको फोल्ड करने के लिए। अगर आप चाहें तो इसको 1-2 इंच और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ताकि अच्छे से उसमें चुनटे आ सके, अगर आपके पास कपड़ा अच्छे से बचा हुआ है तो। तो दोनों तरफ से हमने इसको 38 अच्छे से मार्क कर लिया है। यहाँ से हमें मोरी का नाप लिया है 5.5, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रहे हैं 3 इंच या फिर 3.5 इंच, तो हमने ये मार्क कर दिया इसको 8 इंच, यानी कि जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन किया था 3 इंच हम इसको एक्स्ट्रा रख रहे हैं। अभी जो जो चीजें हमने यहाँ पर मार्क की हैं, तो सभी निशान को हम इनको अच्छे से मिला लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो अच्छे से इनको निशानों को हमने मिला लेना है। तो हमने निशानों को अच्छे से मिला दिया, मिलाने के बाद अभी हम इसकी करने वाले हैं कटिंग। अभी हम इसकी कर रहे हैं कटिंग, तो आपको इसको ध्यान से काटना है सीजर के साथ, जहां पे हमने एक्स्ट्रा मार्क किया था, क्योंकि हमने इसमें डबल निशान लगाया था, क्योंकि एक सिलाई वाला होता है और एक एक्स्ट्रा कपड़े के लिए होता है। ये कटिंग के बाद हमारा प्लाजो पैंट बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से मार्क करके कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये एक तरफ हमने कट किया हुआ है, ये है हमारा प्लाजो, और ये दूसरी साइड हमने रखा हुआ है प्लाजो पैंट। तो ये दोनों बनकर रेडी हो गए हैं 2.5 मीटर कपड़े से, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने 2.5 मीटर क्लोथ से एक प्लाजो पैंट और प्लाजो तैयार कर लिया है। तो ये अभी स्टिचिंग के लिए रेडी हुए हैं, अब इनको स्टिच करने के बाद भी हम आपको दिखाएंगे कैसे दिखेंगे।